तो अब जो हमें पढ़ना है भारत में लोक सेवाएं, भारत में लोक सेवाओं के बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसलिए देखेंगे, कारण यह है कि जो लोक सेवाएं हैं भारत में, जो लोक सेवाएं हैं जिनको स्टील फ्रेम कहा जाता है, इस्पाती ढांचा कहा जाता है, और अस्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। अस्थायी मतलब जो आपकी राजनीतिक कार्यपालिका, जो राजनेता है पांच पांच वर्षों पर बदलते रहते हैं, अस्थायी कार्यपालिका पूरी नौकरशाही आपकी आ जाएगी जो लगातार बनी रहती है, ठीक है। और यह पूरी की पूरी जो विरासत मिली है भारत में लोक सेवाओं की, ये पूरी जो विरासत है वह ब्रिटिश विरासत है, इसलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखना हमारे लिए ठीक रहेगा। तो हल्के हल्के शब्दों में देख लेते हैं, जैसे लिखे भारत में लोक सेवाओं के जनक, जनक कौन है, कार्नवालिस। कार्नवालिस को माना जाता है लोक सेवाओं का जनक, कार्नवालिस को भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद एक कमेटी गठित हुई थी 1854 में, मैकाले समिति, 1854 में मैकाले समिति। ये मतलब और समितियां बहुत सारी हैं, इसलिए वेतन आयोग है, ठीक है, एक्शन आयोग है, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे, ज्यादा हो जाएगा। मैकाले समिति ने कहा कि मतलब जो भर्ती की प्रणाली होनी चाहिए वह खुली परीक्षा के आधार पर होना चाहिए, जिसने ऐसी संस्तुतियां की। उसके बाद और समिति आते हैं, एक्शन आयोग, स्लिंगटन आयोग, ये सब आता है। लेकिन 1919 का जो अधिनियम है, 1919 का अधिनियम उसको क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेंबर्स लाया ना, हम लोग सब भूल गए हैं, नहीं भूले। अच्छा, 1919 का जो अधिनियम है उसके तहत क्या किया जाता है, शाही कमीशन का गठन किया जाता है 1923 में ली कमीशन, ली या शाही आयोग कह सकते हैं, शाही आयोग का गठन किया जाता है। और इसके माध्यम से इसकी संस्तुति के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है भारत में, पहली बार लोक सेवा आयोग। और ये जो लोक सेवा आयोग है 1926 में इसका गठन किया जाता है। और एक क्वेश्चन इससे और पूछता है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे सर रॉस बार्कर थे, सर रॉस बार्कर या रॉस बार्कर लिखे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके दायरे में नहीं आता है, ठीक है। सर रॉस बार्कर। उसके बाद जो रॉस बार्कर ओली या शाही आयोग, ली कमीशन या शाही कमीशन उसको कहेंगे, ठीक है। और क्या होता है कि जो भारत में जो लोक सेवाएं आती हैं, मतलब जो आपका संविधान निर्माण होता है, तो इस बात पर हमेशा डिबेट रहती है कि लोक सेवाओं का वही प्रारूप रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, कि लोक सेवाओं को हटा देना चाहिए, क्योंकि लोक सेवाएं एक प्रकार से क्या थी, गुलामी की प्रतीक थी। अगर आप लोक सेवाओं को उसी अवस्था में रखते हैं तो भारत में लगता था गुलामी की प्रतीक है। और आप देखेंगे कि जो भी भारत में दमन किया गया था ब्रिटिश शासकों द्वारा, ठीक है, उसमें लोक सेवाओं की भूमिका ज्यादा थी, ठीक है। तो वो दमन के यंत्र के रूप में भी उसने काम किया था, ये होगा कि लोक सेवाओं को हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे ज्यादा समर्थन किया कि नहीं, लोक सेवाओं को उसी अवस्था में रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इस्पाती ढांचा है जिसके द्वारा देश को आसानी से चलाया जा सकता है। तो जो आधुनिक भारत में अगर हम कहेंगे, ठीक है, स्वतंत्र भारत में लोक सेवाओं के जो जनक कहेंगे, किसको कहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहेंगे, ठीक है। तो भारत में जो लोक सेवाएं हैं कहां से कहां तक, उसके बारे में हम संवैधानिक जो प्रावधान है, तो भारत का संविधान इस मामले में अनूठा संविधान है, जहां जो इतना विस्तृत है, और उस विस्तृत में आप देखेंगे कि सभी चीजों का उल्लेख कर दिया गया। दुनिया के अन्य देशों के संविधानों में बहुत सारी बातें नहीं लिखी गई, इसलिए भी पाते हैं भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, क्योंकि लोक सेवा क्या क्या होगा सब उल्लेख कर दिया गया। तो जो भारत में लोक सेवाएं हैं, ये भारत 14 में है, अनुच्छेद 308 से 323 तक, ठीक है। एक बात आपको समझ लेना है कि लोक सेवाओं की संरचना क्या होती है, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम होता है तो लोग सीधे कहते हैं आईएएस का एग्जाम है ना, वो यूपीएससी का एग्जाम होता है, और लोग कहते हैं आईएएस का एग्जाम, वो किसी भी सेवा में चयनित होता है, लोग कहते हैं आईएएस हो गया, आईएएस वो नहीं होता है। और गांव वाले बैठ के इंतजार करेंगे बत्ती लेकर आएगा कब, और उसको आईएएस हुआ ही नहीं है, आईआरएस हुआ है, आईआरटीएस हुआ है,
IPS हुआ है, मतलब दूसरे पोस्ट पर हुआ है, 800-900 रैंक है, तो क्या होगा, IAS तो होगा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं IAS हुआ, तो जिसकी इतनी धमक है। तो अगर हम संरचना को देखें, लोग सेवाओं की संरचना को हल्के से समझ लेते हैं, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ठीक रहेगा। तो जो लोक सेवाओं की संरचना होती है, अखिल भारतीय सेवाएं होती है, अखिल भारतीय सेवाएं, कल हम उनका स्टेशन को पूरा एकदम समाप्त कर देंगे, समझेगा ना, अखिल भारतीय सेवाएं जो ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं कितनी होती है, तीन होती है, कौन कौन सी है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IFS ठीक है, नो यही दो लोग पहले जानते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अच्छा तो फॉरेस्ट का, हाँ तो फॉरेस्ट सर्विस होगा, और ये आती है 1966 में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन किया जाता है 1966 में। यही पर लोगों को गफलत रहती है, अखिल भारतीय सेवाएं सिर्फ तीन होती है, इस बात को जानिए ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, अखिल भारतीय जो सिर्फ है सेवाएं वो तीन है, क्योंकि इनकी कार्य करने की जो रूपरेखा होती है ना पूरा भारत होता है, इसलिए है अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है। IFS जो होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, क्योंकि वह अखिल भारत में काम नहीं करता है, वह आप देखेंगे विदेश मंत्रालय की मतलब मंत्रालय में काम करेगा, दूतावासों में, एम्बेसीज में काम करेगा, इसलिए उसको अखिल भारतीय सेवा नहीं कहा जाता है, बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद होती है केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाओं का मतलब होता है कि जो केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में मंत्रालयों में जगहों पर काम करें, तो उसमें ढेर सारी लगभग 30-35 सेवाएं आ जाती है, पूरा इंडियन पोस्टल सर्विस है, इंडियन रेलवे सर्विस है, जो टैक्स वाले हैं ठीक है, रेवेन्यू सर्विस है, IRS जो है, IRTS है, सभी उसमें आ जाते हैं ठीक है। अच्छा इसी दौरान पढ़ रहे हैं तो इसका जो प्रतिष्ठा स्थान भी है इसको भी आप देख लीजिए, IAS का प्रशिक्षण कहाँ पर होता है, मसूरी में, मसूरी में होता है ना, यहाँ का लड़का तो प्रशिक्षण अकादमी की फोटो एकदम डीपी पर लगाए बैठा रहता है कि पहुंचना है वहां पर, तो कहाँ पर है, मसूरी में है, उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी ठीक है। और IPS का कहाँ होता है, हैदराबाद में, हैदराबाद में सरदार भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये सब प्रशिक्षण स्थान, ये दो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लिख लीजिए, वहां लिख लीजिएगा प्रशिक्षण यहाँ पर होता है, वो हैदराबाद में होता है IPS का, इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, और उसका होता है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी करके ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें कुछ 308 से 323 के बीच में जो अनुच्छेद है, तो 308 से 314 के बीच में क्या है, लोक सेवाओं के बारे में दिया है, और 315 से 323 के बारे में लोक सेवा आयोगों के बारे में दिया है ना। तो हम इसमें एक बार अनुच्छेद इंपॉर्टेंट को लिखे, ठीक है, अनुच्छेद 311 नहीं नहीं सॉरी 312 लिखे, 11 में अनुच्छेद 312 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 312। अच्छा यहाँ पर दो तीन लाइन और छोड़ दीजिए, इसको यहाँ लिखे ना, यहाँ दो लाइन और छोड़ दीजिए, तो नीचे लिखा है 312, ये दो लाइन छोड़े रहिए, यहाँ पर दो तीन लाइन छोड़े रहिए, कुछ और लिख पाना छूट गया ठीक है। अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं पर सृजन, नई अखिल भारतीय सेवाओं पर सृजन, नई अखिल भारतीय सेवाओं पर सृजन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन ठीक है। 312 में क्या है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के बारे में, अगर राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर देती है कि और भी नई अखिल भारतीय सेवाएं होनी चाहिए, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं और भी होनी चाहिए, जैसे मेडिकल सर्विसेज है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, ऐसा कुछ वो प्रावधान कर देते हैं कि एक ऐसी कोई आ जानी चाहिए, तो उसका प्रावधान हो जाएगा। इसी के माध्यम से 1966 में इंडियन फॉरेन सर्विस को अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। और हम जो संरचना की बात कर रहे थे, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, केंद्रीय सेवाएं होती हैं, और विशिष्ट सेवाएं होती हैं, विशिष्ट सेवाएं मतलब जैसे इंजीनियरिंग सर्विस को आपने देखा है ना, IAS होता है, IAS होता है, सांख्यिकी सेवा होती है, विशिष्ट सेवाएं के अतिरिक्त जो होता है, और राज्य की प्रांतीय सेवाएं भी होती है, विशिष्ट सेवाएं होती है, प्रांतीय सेवाएं होती है, प्रांतीय सेवाएं का मतलब यहाँ PCS में लोग नहीं चयनित होते हैं, PCS में होते हैं, वह प्रांतीय सेवाएं होती है,
और ऐसे ही स्थानीय सेवाएं भी होती है जो आपके स्थानीय निकायों में काम कर रहे हैं। ये संरचना पूरी होती है स्थानीय सेवाएं, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, विशिष्ट सेवाएं, भारतीय सेवाएं और स्थानीय सेवाएं, मतलब इतनी प्रकार की लोक सेवाएं होती है। और वहां पर उनका प्रशिक्षण होता है, इस बात को जान लीजिए। और 312 में क्या है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के बारे में। अगर हम देखें कौन कौन सी समितियों का गठन, कुछ समितियां हैं जिन्होंने संस्कृति किस मामले में की, कि परीक्षा में बदलाव क्या होना चाहिए, परीक्षा कैसी होनी चाहिए। लगातार आप देखते होंगे पैटर्न बदलता रहता है, कभी सीसेट आ रहा है, कभी निबंध का पेपर शामिल हो रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी लोक सेवाओं से संबंधित समितियां हैं। उसके बाद हम लोग संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो समितियां लिखिए, लोक सेवा के संबंधित जो है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उसको दो तीन समितियों को लिख लीजिए बस, ठीक है। एक लिखिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, प्रथम प्रशासनिक सुधार। उसके बाद एक समिति आती है कोठारी समिति, ठीक है। कोठारी आयोग को पूछा जाता है, कोठारी समिति, ठीक है। कोठारी समिति जो है 1974 में आती है, 64। आप शिक्षा की जो बात कर रहे हैं उसके लिए दूसरा रहा होगा। ये मेन बात है कमेटी ऑन रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड सिलेक्शन मेथड पढ़ता, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। 74 में आती है और 76 में रिपोर्ट देती है कोठारी कमीशन जो होता है। फिलहाल मैं फिर भी ग्राफ चेक कर लूंगा जो मैंने मेंशन किया है, 74 और 76 है। 74 में आती है, 76 में रिपोर्ट देती है। उसके बाद 1989 में सतीश चंद समिति का गठन होता है, सतीश चंद समिति ने ही यहाँ लोक सेवाओं में, जैसे कोठारी समिति ने क्या किया कि जो प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न शामिल करने की बात की गई उसने किया, और सतीश चंद समिति ने क्या किया कि जो आयु है वह 26 वर्ष तक हो जानी चाहिए, उसके बाद निबंध के पेपर को भी शामिल करने की बात कही उसने। 2000 में वाई के अलग समिति आती है, वाई के अलग, ठीक है। 2004 में पीसी होता समिति, अलग घर जधरी होता है ना, पीसी होता समिति 2004, ठीक है। पीसी होता समिति आती है, और उसके बाद आप जानते हैं 2006 में जो है, 2005-06 के आसपास आता है द्वितीय प्रशासनिक, 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में आता है, कोठारी समिति 1974 में आती है, 1989 में सतीश चंद्र समिति आती है, 2000 में वाई के अलग समिति आती है, 2004 में पीसी होता समिति, और 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आता है, तो जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है उसके जो अध्यक्ष थे पहले मोरारजी देसाई थे, बाद उसके के हनुमंथैया हो जाते हैं, ठीक है। के हनुमंथैया, ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लिखवाया है ना, उसके जो अध्यक्ष पहले मोरारजी देसाई होते हैं लेकिन वह फिर मंत्री बन जाते हैं, तो के हनुमंथैया उनके स्थान पर हो जाते हैं। तो आप बताएंगे कि हनुमंथैया जो थे उसके अध्यक्ष। उसके बाद द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष जो थे वीरप्पा मोइली मंत्री से जानते होंगे आप लोग, वीरप्पा मोइली ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या हनुमंथैया पूछा जाता है आपसे, वीरप्पा मोइली उसके अध्यक्ष थे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है।
प्रशासनिक सुधार आयोग। और अगर हम सिविल सेवाओं के बारे में देखें तो संविधान संबंधित कुछ दिवस भी मनाए जाते हैं, जैसे 26 नवंबर को अभी आपका क्या था, संविधान दिवस था, ठीक है। ऐसे ही 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस। लिख लीजिए 21 अप्रैल को, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इन सारी चीजों को आप याद रखिए, ठीक है।